राम राम किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करें। तो आज हम एक किसान के खेत में आए हैं जहाँ किसान भाई ने महिंद्रा HZBC की कोलंबा वेराइटी लगाई है, और ये जो गाँव है, ये जो फार्म है वो वकवाड़ा गाँव है और डिसा तहसील में पड़ता है। तो इस खेत में आने की वजह ये है कि पिछले 2 साल से मैं इस खेत की विजिट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इस खेत में कैसा कैसा आलू का जो पैदावार आ रहा है उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी है। तो फिलहाल मैंने देखा कि इस साल पूरे गुजरात में और देखे तो पूरे भारत में ब्लाइट का प्रकोप ज़्यादा है, और उसकी वजह से पूरे खेत के खेत जले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आके देखा है तो काफ़ी किसानों के खेत में मैंने देखा है, इस खेत के अलावा भी, तो यहाँ भी झुलसे का प्रकोप ज़्यादा है। तो इस किसान भाई के खेत में देखेंगे कि पहले तो आप वीडियो पर देख सकते हैं कि इनके खेत में भी झाड़ अभी जले हुए लग रहे हैं, मतलब यहाँ भी ब्लाइट का प्रकोप है, और ये तकरीबन 60 दिन की फसल है। तो उनकी पैदावार भी देखेंगे और देखेंगे कि आलू की जो साइज है, ट्यूबर की जो साइज है वो कैसी है। तो सबसे पहले किसान भाई से भी मिल लेते हैं और बात करते हैं इनसे। अब राम राम किसान भाई। राम राम। हमारे किसान भाइयों को आपका नाम बताइए। और नाम नागजी भाई कालू भाई देसाई, गांव वकवाड़ा। ठीक है। तो नागजी भाई, हमने पिछले साल भी आपके खेत में आए थे और वीडियो बनाया था और आपकी फसल देखी थी, तो आपने पिछले साल भी बहुत बढ़िया पैदावार ली थी और बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू आपने पैदा किया था। तो इस साल आपको क्या लगता है कि पिछले साल जैसे ही क्वालिटी मिलेगी आपको? अभी तो पता नहीं चलता। ठीक है, देखते हैं क्या। ठीक है, तो आपने ये कोलंबा वेराइटी लगाई है ना? कोलंबा। तो ये कितने पैकेट की आपने बुआई की है? पैकेट 120 पैकेट। 120 पैकेट की बुआई की है। तो अभी ये कितने दिन का आपका फसल है? 60 दिन का। 60 दिन का फसल है। तो हमारे किसान भाइयों को आप अपने खेत में से दिखाइए कि आलू की जो साइज है वो कैसी है। अब जो कर दो झाड़ देखा नहीं, पूरा निकाल दो। बटा का देखा है? बारह। आप देख सकते हैं कैमरे पे कि ये की पौधा है, क्योंकि इसका जो मधर ट्यूबर है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि आलू की जो संख्या है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 ट्यूबर मिले हैं, और साइज भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है 60 दिन के हिसाब से। नागजी भी एक दूसरा भी पौधा निकाल के दिखाओ यहाँ से, ये जो जला हुआ है वहाँ से, यहाँ से। हाँ, ये निकालो जिसके ऊपर ब्लाइट का निशान है वो पूरा निकालो। आँखों निकालो। देखो किसान भाई, यही बात समझाने के लिए मैंने ये दूसरा ट्यूबर निकाला। ये दो पौधे का जो आलू है, तो उसमें देख सकते हैं कि जो ट्यूबर की संख्या है वो तो ठीक है, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ट्यूबर मिले, लेकिन वो पिछले वाले जो ट्यूबर की जो साइज थी उससे इस ट्यूबर की जो साइज है वो बहुत कम है। तो ये बहुत कम है, उसकी वजह क्या है? तो वो पौधा था उसके ऊपर ब्लाइट का प्रकोप नहीं था, मतलब झुलसे का कोई निशान नहीं था, लेकिन इस कैमरे पे आप देख पा रहे हैं कि इस पौधे पे ब्लाइट का जो प्रकोप लगा हुआ है, तो उसकी वजह से अभी उसकी जो साइज़ है वो अभी नहीं बढ़ पाई है। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब यही है कि आप भी अपनी फसल में
केयर करें और टाइम टाइम पे दवाई लगाएं और जुलसे का जो प्रकोप है वो कम से कम हो, तो उसकी वजह से आपकी पैदावार भी सही मिल सकती है। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि इस साल जुलसा और बारिश दोनों की वजह से पैदावार थोड़ी कम रहने का आसार है। तो आगे भी वीडियो में मिलेंगे, इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जवान, जय किसान।